हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल लवर गेमिंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं पांडा मॉस प्रो वर्सेस ऑक्टोपस, इसका मतलब हु इज बेस्ट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों एप्लीकेशन के फीचर्स की, इनके बारे में, और इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है अपने मोबाइल में फ्री फायर को कीबोर्ड और माउस से खेलने के लिए। सो गाइस, यार ये वीडियो आप सभी के लिए वाकई में इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रहेगा, तो यार इसलिए वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल वाला आइकन है उसे ऑल पे जरूर सेट कर देना, जिससे आप मेरी ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो आगे भी देख सके। वीडियो शुरू करने से पहले यार दोस्तों, आप सभी को एक बात बता दूं यार कि दोस्तों काफी सारे बंदों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा यार, तो यार दोस्तों प्लीज कर दो यार, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, तो यार सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस, अभी हम हमारे सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं जिसका नाम है पांडा मॉस प्रो। इसमें क्या होता है कि दोस्तों आपको सिंपली अपने पांडा मॉस प्रो में सिर्फ एक एक्टिवेशन करना रहता है, उस एक्टिवेशन करने के बाद आपको अपना गेम चूज करना पड़ता है और यहाँ पे आपका जो गेम है वो सिंपली स्टार्ट हो जाता है। और गाइस, इस एप्लीकेशन को जो सबसे पहला वाला फीचर है वो है लॉग इन। यस गाइस, इस एप्लीकेशन में आप अपना फेसबुक अकाउंट, अपना रियल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो पांडा मॉस प्रो है वो यहाँ इनेबल है, और देखिए मैं पे अपनी साइन विद फेसबुक करता हूं, अपनी जो रियल आईडी से फेसबुक से लॉगिन करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहां पे बहुत ही आसानी से मेरा जो फेसबुक का अकाउंट है वो आसानी से यहां लॉगिन हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा फेसबुक अकाउंट है वो कितनी ही आसानी से लॉगिन हो गया है। सो गाइस, बात करते हैं इसके दूसरे फीचर की। तो गाइस, इसका दूसरा फीचर ये ही कि एक बार आप अपनी इस एप्लीकेशन में की मैपिंग सेट कर देते हैं तो वो की मैपिंग अपने आप सेट ही रहती है, मतलब कभी भी आपकी की मैपिंग नहीं बिगड़ेगी और ना ही कभी आपकी की मैपिंग हटेगी। तो गाइस, ये है इसका दूसरा फीचर। बट गाइस, इसमें एक प्रॉब्लम रहता है कि जैसे ही आप प्ले स्टोर में यहाँ पर पांडा मॉस प्रो को सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ पेमेंट मांगेगा, तब जाकर आपको वहाँ कुछ इंस्टॉल होगा। गाइस, इस एप्लीकेशन को कैसे फ्री में डाउनलोड करते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सिंपली वहां से देख सकते हैं। गाइस, ये तो बात हो गई हमारे पांडा मॉस प्रो एप्लीकेशन की। अब गाइस बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की जिसका नाम है ऑक्टोपस। गाइस, ये ऐप पे भी बहुत अच्छा है। जैसे ही आप प्ले स्टोर में इसको सर्च करोगे ऑक्टोपस, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि गाइस ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। बट गाइस, ये फ्री होने के साथ साथ अब आप इसके फीचर भी तो सुनो, आप इसके फीचर सुनोगे तो हंस पड़ोगे। गाइस, इसका फीचर ये है कि इसमें आप अपना रियल अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते, मतलब कि अगर आप फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हैं अपना रियल अकाउंट, तो इस ऑक्टोपस एप्लीकेशन में आप अपना रियल अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, अब आप इसे फीचर बोलोगे क्या बोलोगे आपकी मर्जी। तो गाइस, इसमें जो दूसरा फीचर है ये है कि आप इस आपकी जो की मैपिंग अगर आप एक बार सेट कर देते हो तो जब आप अपना गेम क्लोज कर दोगे तो आपकी वो की मैपिंग ऑटोमेटिकली हट जाएगी, आपकी मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट की मैपिंग रहती है बस वही आएगी जो आपने सेट करी है, वो ऑटोमेटिकली हट जाती है। तो गाइस, मेरे ख्याल से ये एप्लीकेशन सबसे बेकार है। और गाइस, जब इसमें आपका फ्री फायर रियल अकाउंट ही नहीं चलेगा तो आपको इस एप्लीकेशन से डाउनलोड करने से क्या मतलब है। तो गाइस, मेरा फुल सपोर्ट तो पांडा मॉस प्रो का ही है, मेरा यही कहना है कि आप पांडा मॉस प्रो को ही डाउनलोड करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कैसे डाउनलोड करना है वो आप सभी नीचे देख सकते हैं। बाय द वे गाइस, मैंने आज आप सभी को बताया इन दो एप्लीकेशन के फीचर की, कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, किसे डाउनलोड करना चाहिए किसे डाउनलोड नहीं करना चाहिए, कौन सबसे बेस्ट है। तो गाइस, ये वीडियो मेरे ख्याल से वाकई में हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग रहा है, तो यार अगर इंटरेस्टिंग हेल्पफुल रहा है तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियोस को आगे भी आप देख। और गाइस, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ यार कि गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है यार, तो एक लाइक कर दो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। और दोस्तों, अगर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस सॉल्यूशन पर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, मुझे वेट रहेगा आपकी कमेंट्स का, आपकी प्रॉब्लम का। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।